हेलो दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, जहां पर थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान के सूरतगढ़ में, और यहां पर जो है वो कोयले से बिजली बनती है। तो इसके अंदर का मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि किस प्रकार यहां से बिजली बनती है। तो मेनली हम मेन गेट पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो कुछ इस प्रकार का इसका मेन गेट है। अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो अभी बरसात जो है वो होकर रुकी है, तो कुछ इस प्रकार का अंदर का सीन दिखता है। काफ़ी सालों से ये चल रहा है और लगभग इसकी जो मतलब एरिया है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, 4 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो देखने वाली बात होती है वो ये होती है कि ये देखिए आप, सड़कें जो है वो बिल्कुल काली हो रखी है, कोयला यहाँ पर उड़ता रहता है पूरे दिन। अगर आप भी यहाँ पर जाते हो तो शर्ट कपड़े वगैरह यहाँ पे सिंपली ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कोयले की जो स्मोक है वो थोड़ी थोड़ी उड़ती रहती है, आंधी वगैरह चलती है तो उड़ जाती है। तो ये सामने जो कोयले से भरी हुई ट्रेन खड़ी है और ये किस प्रकार से खाली होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कोयले की जो एक बोगी है वो कम्प्लीटली खाली हो रही है और कम्प्लीटली हाइड्रोलिक मशीनों से खाली होती है। यहाँ पर इंसान का सिर्फ काम इतना ही है कि इंसानों को सिर्फ बटन दबाना होता है। यहाँ पर पानी से जो है वो स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं ताकि कोयला ज़्यादा उड़े नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी शर्ट पे बिल्कुल स्मोक सा जो है वो लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोयला उड़ता रहता है। ये पानी के फुहारे यहाँ पे चलाए जाते हैं ताकि कोयला थोड़ा कम उड़े। तो इस प्रकार से कम्प्लीटली जो एक बोगी है उसको हाइड्रोलिक मशीनों से उठाया जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर खाली कर दिया जाता है। और यहाँ से फिर क्या होता है दोस्तों कि कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो भी मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊँगा, कम्प्लीट आपको दिखाऊँगा कोयला खाली होने से बिजली बनती किस प्रकार से है। लगभग कंप्लीट ही इसका मैं आपको भ्रमण कर दिखाने वाला हूं। तो ये कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो पूरे डब्बे को आसानी से उठा के एक साइड खाली कर देती है, और यहां से अंडरग्राउंड में कोयला खाली होता है और खाली होने के बाद कन्वेयर बेल्ट से कोयला चल के दूसरी यूनिट तक जाता है। वहाँ पर किस प्रकार से इसको साफ़ वगैरह किया जाता है, किस प्रकार से टूटता है, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से ये ट्रेन जो है वो बैक हो रही है और जो दूसरा डब्बा है वो खाली होगा। तो आप, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं वीडियो को ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और आप भी इसको देख पाएं कि किस प्रकार से ट्रेन खाली हो रही है। तो अभी ये जो डिब्बा है इसको बैक किया जा रहा है और वो पीछे येलो कलर की जो मशीन दिख रही है वो इसको उठाएगी सिंपली, और उठा के खाली करने के बाद इसको पीछे ढकेल दिया जाएगा और इस प्रकार से ये ट्रेन जो है वो आती रहती है और खाली होती रहती है। तो इसको आप फटाफट देख लीजिए, फिर मैं आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है कन्वेयर बेल्ट जिस पे अभी यहाँ पे कोयला ही चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस बेल्ट का उपयोग किया जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा बेल्ट है ये, काफ़ी दूर तक चलता है, वहाँ से इसको उठाया जाता है और दूसरी जगह पे इस पे कोयला चलता है और दूसरी जगह शिफ्टिंग इसकी होती रहती है। तो कुछ इस प्रकार से ये बेल्ट चलता है। ये भी काफ़ी शायद आपको वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा, तो ये रिसाइकिलिंग मशीन है जो कि कोयले को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करती है। इसके अलावा इस कोयले को साफ़ वगैरह भी करती है, क्योंकि कोयले में पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो उनको साफ़ करने का काम इसी मशीन का होता है। तो ये भी काफ़ी बड़ी है, ये धीरे धीरे चलती रहती है और एक जगह से दूसरी जगह से कोयला जो है शिफ्ट होता रहता है। यहाँ तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला आता है और कोयला फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जो सामने आप पट्टी देख पा रहे हो काले रंग की, वो कन्वेयर बेल्ट है काफ़ी लंबा चौड़ा। मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ उसके कि वो किस प्रकार का दिखता है। और दोस्तों जो ये कोयला इकट्ठा यहाँ पे होता है, इसमें आग लग जाती है गर्मी की वजह से, तो इस पर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की मशीन होती है। और ये देखिए आप, कन्वेयर बेल्ट जो है वो यहाँ से चल रहा है, ये काफ़ी लंबा है, मतलब दूसरी यूनिट तक जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है ये। तो इस पर कोयला चल रहा है और वहाँ पर गिरेगा, फिर ये मशीन जो है इधर उधर इस कोयले को करती रहती है। ये देखिए सामने एक और यूनिट है, वहाँ से ये कोयला आ रहा है और यहाँ पर आके इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी ज़िलों में यहाँ से बिजली जाती है तो कोयले का जो है वो स्टॉक रखना पड़ता है काफ़ी दिन के लिए। तो ट्रेनें यहाँ पे आती रहती है और खाली होती रहती है। मैं आगे आपको चलकर दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से टर्बाइन और जनरेटर वगैरह चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि मैं इधर उधर के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि इन्फॉर्मेटिव भी हो और देखने में भी अच्छे हो। तो ये यहाँ पे वाटर टैंक स्टोरेज है, इसी पानी को गर्म किया जाता है बॉयलर में,
और उसी से फिर भाप बनती है। और भाप बनने, अभी मैं तीसरी मंजिल पे खड़ा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि कितना किस प्रकार से ये दिखता है। तो ये जो साइड में है ये बॉयलर है। अब वीडियो में पूरा तो मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अभी मैं बॉयलर की छत पे ही खड़ा हूँ साइड में तीसरी मंजिल पे लगभग। और ये सामने कंट्रोल यूनिट है, यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ये देखिए यहाँ पे पूरे खंभे खंभे लगे हैं। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो सामने ये बॉयलर प्लांट है, यहाँ से पानी को गर्म किया जाता है। ये जो टिन की सी आपको शेप दिख रही होगी ये यूनिट वन का बॉयलर प्लांट है। यहाँ पे तकरीबन शायद 6 यूनिट लगी हुई है। ये जो है वो जनरेटर है येलो कलर का। और ये जो पाइप पे देख रहे हो आप एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी, सॉरी येलो कलर वाला टर्बाइन है। और ये जो ग्रे कलर का है वो जनरेटर है। इससे लगभग एक जिले को जो है बिजली दे दी जाती है। 250 मेगावाट का है ये। और ये जो एल्यूमिनियम की पाइप है इनके द्वारा यहाँ पे भाप आती है। और भाप से फिर क्या होता है दोस्तों, टर्बाइन जो है वो घूमती है और घूमने के बाद जनरेटर घूमता है और जनरेटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनती है। तो कुछ अंदर का सीन इस प्रकार का दिखता है। काफ़ी मोटरें लगी हुई है। अब इतना मैं टेक्निकल इंसान तो हूँ नहीं, बाकी जितना मेरे को समझ में आ रहा है मैं इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नीचे का सीन है, कुछ ऊपर से अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। बहुत ज़्यादा मोटरें लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स और मैकेनिक यहाँ पे काम करते हैं। ये अंदर का कंट्रोल यूनिट है, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह प्रेशर वगैरह इंजीनियर्स वगैरह बैठते हैं, वो देखते रहते हैं कि किस मशीन में क्या मिस्टेक आ गई है, कौन सी किस आरपीएम पे चल रही है। मतलब पूरी टेक्निकल यूनिट यहाँ पे बैठती है, इंजीनियर्स वगैरह यहीं बैठते हैं। बिल्कुल एसी चिल्ड एसी रूम है और यहीं से कंट्रोल किया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पर बॉक्स लगे हुए आपको मिल जाएंगे, ये देखिए आप। तो यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि क्या कुछ मिस्टेक चल रही है या कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यूनिट लगी हुई है 6 की 6। तो इनको एक साथ नहीं चलाया जाता, ये क्या कहते हैं ट्रांसफर स्टेप अप है। इसका काम होता है वोल्टेज को कम ज़्यादा करना। ये इसका मॉडल हो गया सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का। तो इसका डेमो मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है इस हिस्से में। और ये इसका यूनिट है, पता नहीं मतलब क्या काम आती है मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कोयला है इसको यहाँ पे तोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर लोहे की बॉल वगैरह लगी रहती है, वो आपस में टकराती है जिससे कोयला टूटता है और टूटने के बाद फिर वो जलता है। ये चिमनियाँ होगी जो कि काफ़ी ऊँची है और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखता है। और यहाँ पे जो राख होती है दोस्तों वो हवा में नहीं उड़ती है, उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो भर के है वो यहाँ पे आसपास सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मिलाई जाती है वो राख, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। इस प्रकार का मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार की है, यहाँ पर ट्रक और ट्रैक्टर लगते हैं, वो इस राख को भर कर ले जाते हैं। तो कुछ परसेंटेज इसका जो है सीमेंट में मिलाया जाता है। ये हो गया इसका स्विच यार्ड। यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किसको कब कितनी बिजली देनी है तो वो यहाँ से स्विचिंग की जाती है, मतलब किसकी कब काटनी है, तो वो सब सारा जो सिस्टम है वो यहीं से ऑपरेट होता है। तो ये पुरानी क्रेन पड़ी हुई है, इसका ड्राइवर जो है वो जा चुका हमें छोड़ के, लेकिन ये आज भी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार का ये है स्विच यार्ड। तो दोस्तों ये कुछ था आज के वीडियो में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का कम्प्लीट विजिट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काफ़ी मेहनत और पैसा लगता है और काफ़ी पर्यावरण को भी हानि होती है, क्योंकि इतना सारा जब कोयला जलता है तो हीट भी निकलती है और धुआं भी निकलता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिजली का सही इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी मिस यूज़ ना करें, क्योंकि ये सीधा सीधा पर्यावरण पर इफ़ेक्ट डालती है। ये देखिए आप चिमनियाँ हैं, इनसे धुआँ वगैरह निकलता रहता है जब जब ये टर्बाइन वगैरह चलती है, यूनिट चलती है। तो कुछ इस प्रकार का ये दिखता है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।